हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाना सीखेंगे सांभर, जो भी झटपट से जल्दी से बन जाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि घर में ज़्यादा सब्ज़ी ना हो, लेकिन हमें क्रेविंग हो कि हमें खाना ही इडली सांभर, तो जितनी सब्ज़ियाँ हमारे पास है उससे ही हम आज जल्दी से सांभर बनाएंगे। तो जल्दी से तेल गरम करते हैं, उसमें मस्त जीरा, राई, हींग और मीठी नीम, हरी मिर्च। इसके बाद ऐड करेंगे प्याज, प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। उसके बाद ऐड करेंगे टमाटर, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। उसके बाद नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया पाउडर डालेंगे और मसाले को अच्छी तरह सेक लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे उबली हुई दाल, जिसमें ऐड है लौकी और हमारी गाजर। अब इसे थोड़ा एक बॉईल होने तक कुक करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे करी पत्ता और सांभर मसाला। आप चाहे तो जितनी आपके पास सब्जियाँ अवेलेबल है वो सारी चॉप करके इसमें डाल दीजिए। अब अगर गुड़ और इमली ना हो तो भी एक जुगाड़ हो सकती है सांभर को टेस्टी बनाने के लिए। तो आप इसमें डाल सकते हैं नींबू का रस और शक्कर। जी हाँ, तो इससे भी सांभर हमारा बहुत टेस्टी बनता है, जैसे खट्टा मीठा और जैसा भी स्वाद आना चाहिए सांभर का, बिल्कुल परफेक्ट सांभर बनके रेडी हो गया है। मैंने एक रात पहले ही जो सोक्ड उड़द दाल और चावल से बैटर जो प्रिपेयर किया था वो पूरा प्रिपेयर करके रख लिया था। अब बस मॉर्निंग में मुझे उस बैटर को यूज़ करके मस्त इडलियाँ बनानी थी। तो ये देखिए कितनी प्यारी इडलियाँ बनके तैयार हो गई हैं। देखिए तो कितनी जल्दी से हमने जुगाड़ बिठा के इडली सांभर आज बना के खा ही लिया ना। तो आप भी ऐसे बनाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसमें मिलेगी आपको जुगाड़ू इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सी रेसिपीज़ विथ बहुत सारे रिव्यूज़ और इंदौर के स्ट्रीट फूड और लोकल प्लेसेस की भी सारी जानकारी विथ रिव्यूज़। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, देर किस बात की।